गजा के जबालिया कैंप में अक़्वामे मुत्तहिदा के शेल्टर समेत मुख्तलिफ मकामात पर इसराइली अफवाज की बेदरीक बमबारी जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 120 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज की जानिब से इस्लामी जहाद के ऑपरेशनल कमांडर ममदूह लूलो को शहीद करने का भी दावा किया गया। इसराइली डिफेंस फोर्सेस की जानिब से शुमाली गजा में ममदूह लूलो पर रॉकेट हमले की वीडियो भी जारी की गई। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों इतराफ पर पाकिस्तान समेत भर बसने वाले कश्मीरी आज योम हक खुद अरादियत मना रहे हैं। 5 जनवरी 1949 को अक़्वामे मुत्तहिदा में कश्मीरियों को बुनियादी हक देने के लिए करारदाद मंजूर की गई थी। भारत की हर दर्मी की वजह से कश्मीरियों से किए गए वादे पर अमल दरामद नहीं हो सका। मकबूजा कश्मीर के लोग आज भी भारतीय संगीनों के साय तले बेमिसाल जदोजहद जारी रखते हुए अपने बुनियादी हक का मुतालबा कर रहे हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद मतहत अदालती सर्विस ट्रिब्यूनल की तश्कील नू की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद मतहत अदालती सर्विस ट्रिब्यूनल के चेयरमैन होंगे, जबकि अरकान में जस्टिस बाबर सत्तार और सरदार एजाज इसहाक शामिल हैं। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर ट्रिब्यूनल की तश्कील नू की मंजूरी इस्लामाबाद मतहत अदालती सर्विस ट्रिब्यूनल 2016 के सेक्शन 3 के तहत दी। और पंजाब से मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदार से मुलाकातों के बाद पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। रहीम यार खान से मियाँ शहजाद अनवर, बहावर नगर से मियाँ मोहम्मद अली लाधिका, राव नजीबुररहमान, राव अजीज़ुररहमान और इफ्तिहार अहमद ने भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। बिहार से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद अयूब संधेला और इमरान संधेला ने भी मुस्लिम लीग नून छोड़कर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है।